फिलीपींस का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जहां पर सारे परीक्षार्थी अपने सर पर एंटी चीटिंग हेडगियर पहने हुए हैं। मगर हमारे यहां तो परीक्षा का मौसम शुरू होता है तो ऐसे दृश्य देखने मिलते हैं, जहां पर परीक्षार्थी के परिवारजन या मित्र वर्ग उन्हें इस तरह से मदद करते हैं। मगर फिलीपींस के एक शिक्षक चाहते थे कि विद्यार्थी खुद नकल से बचने के लिए अपने लिए एंटी चीटिंग हेडगियर बना के लेके आए, जिसके लिए उन्हें इस मिड टर्म एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। और फिर क्या था, फिलीपींस के बिकोल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के मिड टर्म एग्जाम के दौरान ये विद्यार्थी अपने लिए कई किस्म के हेडगियर पहन के आए, जिसमें उनकी क्रिएटिविटी तो थी मगर नकल ना करने का इरादा भी था। इसका असर ये हुआ कि इस मिड टर्म एग्जाम में कोई भी नकल करते हुए पकड़ा नहीं गया। प्रोफेसर ने यहाँ तक कहा कि इस साल छात्रों ने सामान्य से बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि छात्रों को पता था कि अब की बार नकल करने नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शायद अब शिक्षक ज्यादा समझदार बन गए हैं और वो चाहते हैं कि छात्र नकल करने के अधिक नई तरीके खोजे। उससे बेहतर है कि उन्हें इसी तरह अपने सर पर एंटी चीटिंग हेडगियर प्रतियोगिता में चुनौती देना बेहतर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए।